सेना भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी तैयारियां पूर्ण की जा रही, इसी के चलते आर्मी भर्ती में कोरोना की जांच मांगी जा रही है और यह जांच भर्ती से मात्र 48 घंटे पूर्व की ही मान्य हो रही है। इसके चलते मथुरा के महर्षि दयानंद सरस्वती जिला अस्पताल में कोरोना की जांच कराने व अभ्यर्थियों की भीड़ लगी हुई है। ट्रोमा सेंटर पर इस तरह की भीड़ लगी हुई है कि डॉक्टरों के भी हाथ पैर फूल गए और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने मौके पहुंचकर भीड़ को काबू किया और बारी बारी से कोरोना की जांच की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर चित्रेश ने बताया, कोरोना की जांच के लिए प्रतिदिन 50 से 60 मरीजों की जांच हो रही है, लेकिन आर्मी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इससे पूर्व उनके पास कोई सूचना नहीं थी जिससे कि तैयारियां पहले से की जा सकें। इसमें हम यही कहेंगे कि देखिए, सबको वहाँ पे जो इनकी ज्वाइनिंग होनी है, एग्जाम होना है, उसके लिए इनको कोरोना जांच की रिपोर्ट चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो लोग हैं वो हैं कम, और इन्होंने एकदम भीड़ लगा रखी है जिसकी वजह से काम करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। अगर सब लोग थोड़ा सा संयम और साहस बरतेंगे तो फटाफट सबका काम भी हो जाएगा और इनकी जाँच भी हो जाएगी। सेना भर्ती के लिए कोरोना की जाँच कराने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि 24 घंटे पहले की जाँच मांगी जा रही है और CSC सेंटरों पर उनकी जाँच नहीं हो पा रही है। इसी के चलते मथुरा के जिला अस्पताल में जांच कराने के लिए आए हैं, यहाँ पर भी पर्याप्त सुविधा नहीं है। ग्राम लोरा पट्टी से आए हैं सर, हम बहुत परेशान हैं सर। सर आर्मी वालों ने सर 48 घंटा रिपोर्ट पहले मांगी, यहाँ सर कोई नंबर ही नहीं आ रहा सर। देखा कितनी लाइन बनी पड़ी है, यहाँ कोई नंबर धक्का मुक्की हो रही है सर। देखा तो यहाँ पे कोरोना की जाँच मांग रहे हैं। यस सर, कोरोना की जाँच मांग रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे लोग, जाँच नहीं हो रही है? जाँच हो रही है पर जो सर होनी चाहिए। सर मामला ये है कि सर गोवर्धन ब्लॉक में दो दिन पहले जाँच हो रही थी, वहाँ पे अब जाँच नहीं हो रही है। तो कई चीज की जाँच सर, कोरोना की जाँच जो भर्ती, कोरोना की जाँच के लिए जरूरत क्या पड़ी है सर? जरूरत भर्ती में सर ऑनलाइन रिपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन काई की भर्ती है, भर्ती आर्मी की भर्ती के लिए सर। हाँ तो सर ऑनलाइन रिपोर्ट मांग रहे थे, अब ऑनलाइन के बाद अब ऑनलाइन तो लेट हो गई है, बच्चों की कुछ की आई नहीं है, तो वो स्टंप लेने के लिए आए, स्टंप भी नहीं मिल रहे यहाँ पे, और बच्चे बहुत तादाद में आ गए सर, और गोवर्धन काम हो रहा था वो गोवर्धन भी नहीं हो रहा, बच्चे ये कह रहे हैं किसी CSC सेंटर पे जाँच नहीं हो रही है। नहीं हो रही सर, किसी पे नहीं हो रही।